हिंदुवादी नेता और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने अब हिंदुत्व की राजनीति के साथ देश के दूसरे वर्ग के लिए कार्य करने की भी योजना बनाई है। शुक्रवार को इंदौर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए तोगड़िया ने कहा कि वे हिंदुत्व और राम मंदिर के अलावा देश के किसानों और दूसरे वर्ग की आवाज को भी उठाएंगे। उन्होंने किसानों की परेशानी को लेकर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए। कर्ज मुक्त किसान, ये मेरा हमेशा का नारा रहा है। आज जहां 6 किसान के युवान बेटों ने अपना बलिदान दिया, यह भूमि पर देशव्यापी किसान आंदोलन और एक जून से जो देश में किसान आंदोलन चल रहे हैं उनको भी मैंने समर्थन घोषित किया है और विधिवत यह देश में स्वामीनाथन आयोग का स्वीकार हो, किसानों को सीटू की पद्धति से सभी फसलों पर 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिले और किसानों को सभी फसल पर 100% फसल बीमा का कवर मिले, यह मांग लेकर पूरे देश में मैं अभियान चलाने वाला हूं। इस दौरान तोगड़िया ने विश्व हिंदू परिषद से अपने मतभेद और केंद्र की भाजपा सरकार से नाराजगी को लेकर भी अपनी बात कही। हमेशा बड़ी बेबाकी से अपनी बात कहने वाले तोगड़िया इस दौरान थोड़े सहमे से नजर आए। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया एक नए दल का गठन करने जा रहे हैं जिसे लेकर उन्होंने इंदौर में संकेत दे दिए, लेकिन इसकी रणनीति और कार्य योजना को लेकर उन्होंने दिल्ली में 24 जून को बड़ी घोषणा करने की बात कही। 24 तारीख को इसके बाद एक घोषणा करेंगे, दिल्ली में घोषणा होगी। और अब तक तालुक तक संगठन की रचना, जैसे संगठन नहीं बना है यहाँ के प्रांत के पहले अध्यक्ष से, ऐसे तालुक तक के पदाधिकारी ऑलरेडी तय हो गए हैं। विधिवत 24 तारीख को एक्शन प्लान मानी हिंदू अभियान की घोषणा होगी। तोगड़िया ने इसके अलावा राम मंदिर और अन्य मुद्दों को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आज सरकार राम मंदिर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन की बात करती है, लेकिन यह मामला पहले भी कोर्ट में लंबित था, तब नेताओं ने इसके लिए आंदोलन क्यों किए। फर्स्ट है संसद में कानून बनाओ, हर फैसला 24 को, और यदि राम मंदिर का कोर्ट में केस है तो अडवाणी ने रथ यात्रा निकाली तो कोर्ट में केस नहीं था, तो अडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा क्यों निकाली, उनको तो सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या रथ यात्रा निकालनी थी। प्रवीण तोगड़िया ने अपनी बातों से यह तो जाहिर कर दिया कि आने वाले दिनों में एक नए संगठन का गठन कर तोगड़िया सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। रिपोर्ट टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।